हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है और हम लेसन पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में हमारा आज का टॉपिक है ठोसों के चुंबकीय गुण। तो ठोसों में जो चुंबकीय गुण है यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स, तो ठोसों में चुंबकीय गुण है वो याद रखना इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन स्वयं एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है और वो इलेक्ट्रॉन चुंबक की तरह व्यवहार करता है उसके दो प्रमुख रीजन हैं। एक तो वह इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है, नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमता है कक्षीय गति, इस वजह से उसमें चुंबकत्व गुण उत्पन्न होता है। दूसरा ये वो इलेक्ट्रॉन स्वयं अपने अक्ष पर भी घूमते हुए आगे बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर घूर्णन और इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर कक्षीय घूर्णन, ये दो प्रमुख कारण हैं इलेक्ट्रॉन के चुंबक की तरह व्यवहार करने के। तो मैं बता चुका हूं कि ठोसों में जो चुंबकीय गुण हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन स्वयं एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है और एक इलेक्ट्रॉन चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसके दो प्रमुख रीजन होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है और इलेक्ट्रॉन स्वयं अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है, घूर्णन करता है, इस वजह से उस इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। तो ठोसों के जो चुंबकीय गुण हैं इनको पांच भागों में बांटा गया है। ठोसों के चुंबकीय गुणों को आपके पांच भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है अनुचुंबकीय, याद रखना इसे अनुचुंबकत्व भी कहा जाता है। अनुचुंबकत्व अपने सिलेबस में अनुचुंबकत्व लिखा है और अनुचुंबकत्व यानी पैरामैग्नेटिज्म, ये आपको याद रखना है। पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकत्व लिखा है अपने सिलेबस में, तो यानी पदार्थ तो अनुचुंबकीय होते हैं और उनके गुण को अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है। अगर आप परिभाषित करो तो आप यूं बोलोगे कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और उनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। और एक दूसरी परिभाषा इसकी आप और दे सकते हो, वो ये दे सकते हो कि वे अणु परमाणु अथवा पदार्थ जिनमें एक अथवा एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जिनमें एक अथवा एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और इस गुण को अनुचुंबकत्व बोलते हैं। और याद रखना इनमें स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव पाया जाता है, इनमें स्थायी दो ध्रुव बन जाते हैं, जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, इसी प्रकार इनमें स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव पाया जाता है। ये इनकी खास बात है, आपको याद रखना है। एग्जाम्पल पूछे तो कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे O2 है, Cu+2 है, Fe+3 है और इसके अलावा CuO और एक TiO और टाइटेनियम ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड, ये टाइटेनियम ऑक्साइड। Fe+3 को फेरिक बोलते हैं, इसे कॉपर बोलते हैं प्लस टू वाला, और ये O2 उदासीन है, ये उदासीन है और ये भी उदासीन है, ये उदासीन और इन दो पर धनावेश, यानी ये दो धनावेश धातु हैं। तो इनका सामान्य सा आप दो चार एग्जाम्पल जरूर याद रखना। हालांकि हमारे एग्जाम में कभी उदाहरण तो नहीं पूछे गए हैं, परिभाषा जरूर पूछी गई है, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा याद रखना। तो रिपीट कर देता हूं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं तो उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और इस गुण को अनुचुंबकत्व बोलते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा आप लिखो तो यूं बोल देना कि वे अणु परमाणु अथवा पदार्थ जिनमें एक अथवा एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और इस गुण को अनुचुंबकत्व बोलते हैं। और इनमें स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव पाया जाता है, इन पदार्थों में स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव दो ध्रुव पाए
जाते हैं। ये याद रखना है। फिर एग्जांपल O2CO+2Fe+3CuO और TiO टाइटेनियम ऑक्साइड इसके सामान्य से उदाहरण है। इतनी सी बात आप याद रखना। अब दो नंबर पर इसका जस्ट विपरीत कर लेना। प्रतिचुंबकत्व है, अनुचुंबकत्व है, प्रतिचुंबकत्व है। ठीक है ना, प्रतिचुंबकत्व जिसे डायमैग्नेटिज्म कहा जाता है। डायमैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। याद रखना अणु का अर्थ होता है स्नेह करना, प्रेम करना और प्रति मिनट दूर धकेलना। तो अनुचुंबकत्व है यानी जो चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं और प्रतिचुंबकत्व है जो चुंबकीय क्षेत्र से दूर हो जाते हैं, जो यानी जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं स्वयं वे पदार्थ जो स्वयं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर और प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से तो प्रतिचुंबकत्व पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना, गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो शाब्दिक रूप में परिभाषा तो यही हो जाएगी कि वे अणु परमाणु अथवा पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं तो ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा इसमें बताऊं तो ये बोल देना कि वे अणु परमाणु अथवा पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में होते हैं यानी एक ऊपर की तरफ तो एक नीचे की तरफ पास में तो फिर वो युग्मित हो गया, पेयर के रूप में हो गया। तो वे अणु परमाणु अथवा पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं तो ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और इस गुण को प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उदाहरण पूछे तो NaCl इसका याद रखना, H2O इसका याद रखना और एक बेंजीन जो कार्बनिक वालों में बेंजीन होता है वो याद रखना। तो NaCl H2O और C6H6 बेंजीन, जल और सोडियम क्लोराइड ये तीन प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब तीन नंबर पर हमारी बारी आती है जिसे बोलते हैं लोह चुंबकत्व। कौन से वाला लोह चुंबकत्व है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, FERO फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। तो आप याद रखना लोह चुंबकत्व पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होते हैं। इन पदार्थों को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये पदार्थ चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं और फिर चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाता है तो भी ये चुंबक की तरह व्यवहार करते ही रहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकत्व पदार्थ कहा जाता है। मैं शाब्दिक रूप में आपको समझाऊं तो आप यूं बोल देना, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले गए और फिर चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लिया और फिर भी वो चुंबक की तरह व्यवहार करते रहे तो ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। हाँ, एक खास बात और, इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें भी कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन जोड़े नहीं बनाते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इन पदार्थों में चुंबकीय आवरण पाया जाता है। अगर युग्मित होते इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता, लेकिन इनमें तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, पेयर के रूप में नहीं होते हैं, अयुग्मित होते हैं तो फिर यानी सिंगल रूप में होते हैं, सिंगल रूप में होते हैं तो वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण बना रहता है तो इन्हें लोह चुंबकीय कहा जाता है। तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये आपको याद रखना है। अगर आपके उदाहरण की बात करूं तो फ्रेंकोनी क्रो यानी CrO
याद रखना, फेरस है, कोबाल्ट है, निकल है और क्रोमियम ऑक्साइड CrO। CrO क्या होता है? क्रोमियम ऑक्साइड। फैंकोनी आपको याद रखना है, वैसे बस फेरस, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड, इन्हें लोह चुंबकत्व या लोह चुंब के पदार्थ कहा जाता है। एक बार फिर बता देता हूं, लोह चुंब के पदार्थ कौन होते हैं? वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी वो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और इस गुण को लोह चुंबकत्व के नाम से जाना जाता है। इन पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिससे इनका चुंबकीय आघूर्ण बना रहता है, नष्ट नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर फेरस, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम ऑक्साइड आपको याद रखने हैं। अगला चुंबकीय गुणों में पदार्थ है प्रतिलोह चुंबकत्व, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। याद रखना, जो फेरोमैग्नेटिज्म थी उससे विपरीत है, लोह चुंबकीय पदार्थ का विपरीत होता है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। तो पहले आप एक बात ध्यान में रखना कि कोई, जैसे मैं आपके एक पदार्थ ले रहा हूं और यह पदार्थ है लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय नहीं, पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ है, और लोह चुंबकीय पदार्थों में ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं, सारे के सारे लोह चुंबकीय पदार्थों में ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं, और इन क्षेत्र को याद रखना डोमेन बोलते हैं। डोमेन, लोह चुंबकीय पदार्थों में और चुंबकीय क्षेत्र छोटे छोटे खंडों में विभाजित रहता है। लोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र छोटे छोटे खंडों के रूप में विभाजित रहता है जिन्हें डोमेन कहा जाता है। और डोमेन में ये मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शा रहा हूं, ये चुंबकीय आघूर्ण है। इलेक्ट्रॉन तो इस प्रकार से सिंगल रूप में दर्शाते हैं हमेशा, मैं तो पूरा एरो का निशान लगा रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि ये डोमेन आपके चुंबकीय क्षेत्र है। तो यानी इस डोमेन में चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो ऊपर की ओर है इस प्रकार से। तो लोह चुंबकीय में पाया जाता है ये डोमेन, और किसी में नहीं। आप याद रखना कि लोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र जब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, खंडों के रूप में बटा होता है, विभाजित होता है, तो उन क्षेत्रों को डोमेन कहा जाता है। और याद रखना, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ में और डोमेन क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में विन्यासित होते हैं, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ में जब डोमेन क्षेत्र यानी वो छोटे छोटे टुकड़े चुंबकत्व वाले डोमेन क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, तो वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और इस गुण को प्रतिलोह चुंबकत्व कहा जाता है। अब मैं आपको समझाऊं तो यूं बोल दूं, ये मैंने कोई लोह चुंबकीय पदार्थ लिया है। कौन सा लिया है? लोह चुंबकीय पदार्थ, और इसमें ये छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र टुकड़ों में बटाए जिसे डोमेन कहा जाता है। और अगर ये डोमेन, देखिए पहले डोमेन में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ऊपर की ओर है उस पूरे लोह चुंबकीय पदार्थ में, और जो डोमेन की पट्टियां बनी है इस प्रकार से, इन पट्टियों में ऊपर वाला जो मैंने दर्शाया उसमें चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ऊपर की ओर है, ठीक है ना, और नीचे वाले में एक तो ऊपर की ओर, एक फिर नीचे की ओर, फिर एक ऊपर की ओर, इस प्रकार से दर्शा दूं, तो याद रखना ऐसे चुंबकीय आघूर्ण के कारण और जो गुण है, चुंबकत्व का गुण है, वो नष्ट हो जाता है, इन्हें प्रतिलोह चुंबकत्व कहा जाता है। तो आप यूं बोलना कि वे लोह चुंबकीय पदार्थ जिनमें चुंबकीय क्षेत्र के डोमेन जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, तो वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, और ऐसे लोह चुंबकीय पदार्थों को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और इस गुण को प्रतिलोह चुंबकत्व बोलते हैं। तो मैं शाब्दिक रूप में एक बार फिर आपको बता देता हूं कि आपको कोई लोह चुंबकीय पदार्थ लेना है और लोह चुंबकीय पदार्थ में
चुंबकीय क्षेत्र है वो टुकड़ों के रूप में बटा होता है, उन टुकड़ों को डोमेन बोलते हैं, और अगर वो डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो फिर वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देंगे, और चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देंगे तो वही लोह चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाएगा, प्रतिलोह चुंबकीय कहलाएगा, और इस गुण को बोलेंगे प्रतिलोह चुंबकत्व। अगर आप एग्जांपल याद रखो तो इसमें एक होता है MnO, एक होता है FeO, और MnO के स्थान पर याद रखना MnO2 भी बोल देना, एक होता है MnO, एक होता है MnO2 और एक FeO, ये तीनों जो पदार्थ हैं ये प्रतिलोह चुंबकीय कहलाते हैं। इनमें छोटे छोटे डोमेन क्षेत्र बने होते हैं और वो डोमेन क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और ये लोह चुंबकीय पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और उनका गुण प्रतिलोह चुंबकत्व के नाम से जाना जाता है। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। फेरी चुंबकत्व यानी फेरी मैग्नेटिज्म जो पदार्थ हैं उनकी बात करते हैं, तो याद रखना आप बोलना कि वे लोह चुंबकीय पदार्थ, वे लोह चुंबकीय पदार्थ जिनमें डोमेन क्षेत्र एक दूसरे के समांतर और प्रतिसमानांतर रूप में असमान हो, वे लोह चुंबकीय पदार्थ जिनमें डोमेन क्षेत्र एक दूसरे के समांतर और प्रतिसमानांतर रूप में असमान हो। कैसे? जैसे मैं बता देता हूं कि मान लीजिए ये डोमेन है, उनका चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की ओर है, फिर एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण नीचे की ओर होगा, फिर नेक्स्ट दो हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण पुनः ऊपर की ओर होगा, फिर जो नेक्स्ट है उसका चुंबकीय आघूर्ण नीचे की ओर होगा, तो ये समानांतर और प्रतिसमानांतर है और असमान भी है। यानी कहने का अर्थ दो चुंबकीय क्षेत्र या दो डोमेन हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज है, तो एक का एंटी क्लॉकवाइज है, फिर दो का क्लॉकवाइज है ऊपर की ओर, फिर एक का एंटी क्लॉकवाइज है, तो कहने का अर्थ समानांतर और प्रतिसमानांतर तो है लेकिन असमान भी है। तो ऐसे लोह चुंबकीय पदार्थ जिनमें डोमेन क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर और प्रतिसमानांतर रूप में असमान हो, तो ऐसे चुंबकीय पदार्थों को फेरी चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, और इस गुण को फेरी चुंबकत्व बोला जाता है। अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो इसका एक एग्जांपल है मैग्नेटाइट Fe3O4, जिसे हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेटाइट याद रखना यही चुंबक का सूत्र होता है, चुंबक का भी रासायनिक सूत्र यही होता है Fe3O4, इसे मैग्नेटाइट बोलते हैं, मैग्नेट के नाम से बना है मैग्नेटाइट चुंबक। तो याद रखना ये फेरी चुंबकत्व कहलाता है, ये पदार्थ चुंबक जो होती है वो खुद फेरी चुंबकत्व के नाम से जानी जाती है, तो आप थोड़ा अंग्रेजी वाला इसमें ध्यान में रखना। हमारा अगला टॉपिक है पैरा वैद्युतता, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना पायरो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, पायरो ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है अग्नि यानी आग यानी फायर। आपको ध्यान में रखना है कि पायरो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि, और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलोगे विद्युत, ठीक है ना, विद्युत धारा। तो आपको याद रखना है पायरो इलेक्ट्रिसिटी यानी पैरा विद्युतता, तो पायरो मीन्स अग्नि और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। तो ऐसे पदार्थ जिनको या तो गर्म करें या ठंडा करें जिससे इनकी वोल्टता में परिवर्तन होता है, और वोल्टता में परिवर्तन होने से ये विद्युत उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने अथवा ठंडा करने से उनकी वोल्टता में परिवर्तन होता है, उनकी वोल्टता में परिवर्तन होता है, तो ऐसे पदार्थ विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, तो इस गुण को पैरा वैद्युतता कहा जाता है। याद रखना
जब आप एक कुछ पदार्थ ऐसे जिनके क्रिस्टल को आप ताक दोगे यानी ऊष्मा दोगे तो पूरे क्रिस्टल में कुछ परमाणु वो अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। यानी ऐसे पदार्थों के क्रिस्टल को जब आप ऊष्मा दोगे तो ये क्रिस्टल हैं, उसमें जो परमाणु हैं जिनसे वो क्रिस्टल बना है वो परमाणु अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, और स्थान परिवर्तित करने से इसमें ध्रुवणता आएगी, पोलराइजेशन आएगा, ध्रुवणता आएगी। और वो ध्रुवणता क्या उत्पन्न करेगी? ध्रुवणता वोल्टता उत्पन्न करेगी, और वोल्टता एक प्रकार से धारा होती है। तो हम यूं बोल सकते हैं कि ऐसे कुछ पदार्थ जिनको गर्म करने अथवा ठंडा करने से उनमें परमाणु अपना स्थान बदल लेते हैं, और स्थान बदलने से उनमें ध्रुवणता आ जाती है, और इस ध्रुवणता के कारण वो यौगिक वोल्टता उत्पन्न करते हैं, तो जिससे विद्युत धारा बनती है। और इस पदार्थों के इस गुण को पैरा वैद्युतता कहा जाता है। और पैरा वैद्युतता की जो खोज है वो याद रखना डेविड ब्रेमस्टर ने की थी, एक एल्केमिस्ट थे डेविड ब्रेमस्टर, जिन्होंने पैरा वैद्युतता की खोज की थी। अगर एग्जाम्पल की बात करूं यानी वो पदार्थ जो पैरा वैद्युतता उत्पन्न करते हैं, तो याद रखना सीजियम नाइट्रेट होता है, CsNO3 सीजियम नाइट्रेट होता है। फिर GaN गैलियम नाइट्राइड भी होता है, सीजियम नाइट्रेट है, गैलियम नाइट्राइड है। और इसके अलावा एक और याद रखना LiTaO4 लिथियम भी है, टेंटेलम भी है, और ऑक्सीजन है, तीनों से मिलकर के बना है। तो इसे बोलते हैं लिथियम, क्या बोलोगे इसे? लिथियम टेंथेलेट, लिथियम टेंथेलेट बोलते हैं इसे, LiTaO4 लिथियम टेंथेलेट एक यौगिक है जो कि पैरा वैद्युतता उत्पन्न करता है, यानी गर्म करने अथवा ठंडा करने से, और ये विद्युत धारा उत्पन्न करता है। सीजियम नाइट्रेट भी ऐसा होता है, और गैलियम नाइट्राइड, इस प्रकार से नाइट्राइड शब्द बोलना है आपको, नाइट्राइड लास्ट में डे आएगा, नाइट्राइड। तो ये भी पैरा वैद्युतता उत्पन्न करता है। तो पैरा वैद्युतता में पायरो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, पायरो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि, और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स धारा, यानी ऐसे पदार्थ जिनको या तो गर्म करें या ठंडा करें जिससे उनमें ध्रुवणता आएगी, और ध्रुवणता आने से और वो वोल्टता उत्पन्न करेंगे अर्थात विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे, तो उन्हें इस गुण को पैरा वैद्युतता कहा जाएगा, जिसकी खोज डेविड ब्रेमस्टर ने की थी। और एग्जाम्पल पूछे कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी या पैरा वैद्युतता के उदाहरण दीजिए, सीजियम नाइट्रेट है, गैलियम नाइट्राइड है, और लिथियम टेंथेलेट है, ये तरह से आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर इनमें एक आपके जिस प्रकार पीवीसी होता है उसी प्रकार और याद रखना, अपने सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन बता दूं पीवीएफ भी आप याद रख सकते हो, पॉलीविनाइल फ्लोराइड, अपने सिलेबस में नहीं दिया है फिर भी याद रखिएगा पॉलीविनाइल फ्लोराइड कह रहा हूं मैं, जैसे पीवीसी होती है वैसे पीवीएफ होता है। पीवीसी मतलब जो रबड़ की पाइप वगैरह आती है वो एक प्रकार का बहुलक है पीवीसी, उसी से बना है पॉलीविनाइल फ्लोराइड। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एक प्रकार का रबर ही है जो कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी का गुण प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा ध्यान रखें।